खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। मुखर्जी नगर में महाभारत, जी हां, सुबह 9 बजे की बुलेटिन की बात दिल्ली से ही करने वाले हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बस ड्राइवर सरबजीत सिंह की पिटाई का मामला भयानक तूल पकड़ चुका है। कल रात भर मुखर्जी नगर थाने के बाहर खूब बवाल हुआ है। बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने मुखर्जी नगर थाने का घेराव किया कल रात। उनकी मांग ये है कि पिता और बेटे को सरेआम पीटने वाले तमाम पुलिस वालों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए, जबकि पुलिस ये कह रही है कि 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। अब तक इस मामले में 3 पुलिस वालों को निलंबित किया जा चुका है। साथ ही गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से पूरे मामले की रिपोर्ट भी मांगी है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, देर रात हंगामे की तस्वीरें, अर्धसैनिक बलों को तक यहां पर तैनात किया गया। सोचिए आप, दिल्ली के बीचों बीच का एक मुखर्जी नगर इलाका जो अमूमन शांत रहता है, कभी मुखर्जी नगर इलाके से इस तरह की कभी कोई खबर नहीं आई, वहां कल रात इतना बवाल हो गया कि अर्धसैनिक बलों को मोर्चा संभालना पड़ा। दरअसल सिख समुदाय के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सिख ड्राइवर सरबजीत सिंह और उनके बेटे के साथ खुलेआम मारपीट की गई, उनके जख्मों के जो फोटोज थी, जो वीडियो थे सोशल मीडिया में तैरे, इसको लेकर सिख समुदाय के बीच बहुत गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि 3 पुलिस वालों का जो निलंबन हुआ है, ये मामले को रफा दफा करने के लिए किया जा रहा है। वहां पर करीब 10 से 12 पुलिस वाले थे जब ये घटना हुई 2 दिन पहले। तमाम पुलिस वालों पर गार्ड गिराई जाए, इसको लेकर कल देर रात मुखर्जी नगर थाने के बाहर ये हंगामा हुआ। मुखर्जी नगर में रविवार को हुई घटना को लेकर 2 वीडियोस भी सामने आए हैं। जी हाँ, ये भी आपको समझना चाहिए। पहले वीडियो में ग्रामीण बस सेवा का ड्राइवर सरबजीत सिंह पुलिस कर्मियों पर हमला करता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, उसके हाथ में कृपाण है, देखिए तस्वीर भी हम आपके लेकर आए हैं। वहीं दूसरी वीडियो में पुलिस वाले सरबजीत और उसके बेटे की पकड़कर बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं और ये सब कुछ खुलेआम बीच सड़क में पुलिस वालों ने किया। दिल्ली पुलिस की ओर से घायल पुलिस वाले के बयान के आधार पर ड्राइवर सरबजीत के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। वहीं पुलिस के अधिकारी जिन्होंने ये सब किया उन पर भी केस दर्ज हुआ है। तो कुल मिलाकर ये 2 वीडियोज हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया में तैर रही किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले आप पूरे मामले को गहनता से समझें, किसी भी उकसावे में ना आए, क्योंकि ये 2 तरह के वीडियो सोशल मीडिया में तैर रहे हैं। एक वीडियो में जो कि सबने देखा, जिसको लेकर सिख समुदाय गुस्से में है कि ऐसे खुलेआम दिल्ली पुलिस ने इतनी बर्बरता एक ड्राइवर के साथ कैसे दिखा दी, चाहे उसने कुछ भी किया हो, ये कोई तरीका नहीं होता। ये पिटाई का वीडियो जब वायरल हुआ, इस पूरे इलाके में सिख समुदाय का गुस्सा फूटा। लेकिन एक और वीडियो है जो कि हमने आपको दिखाया, जिसमें ड्राइवर सरबजीत भीख पाण निकालकर पुलिस वालों पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वे कह रहे हैं कि मैं तो अपनी सुरक्षा के लिए ये सब कर रहा था। तो ये भी एक वीडियो है, पुलिस और ड्राइवर के बीच जब बहस हुई तो उन्होंने अपनी कृपाण निकाली और ये भी एक वीडियो सोशल मीडिया में तैर रहा है। और इसीलिए हर तरह की कहानी सोशल मीडिया में, हर तरह की अफवाह का रूप लेकर इस वक्त मौजूद है। तो दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने के बाहर तनाव को देखते हुए अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया, जैसा कि हमने आपको बताया। हालांकि वहां भी शांति है, लेकिन एहतियात के तौर पर थाने के गेट पर ताला भी लगा दिया गया है, ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं थाने के अंदर ना एंट्री कर पाए। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक रावत की ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। हम इस समय मौजूद हैं मुखर्जी नगर थाने के बाहर, जहाँ फिलहाल शांति का माहौल है। इस समय यहाँ पर कोई भी नहीं है सिवाय पुलिस के। कल रात को यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग थे, सिख समुदाय के लोग थे, जिन्होंने आधी रात के बाद तक भी यहाँ पर एकत्र होने के साथ साथ प्रदर्शन भी किया था, खासतौर पर उस समय जब बीजेपी के विधायक MS सिरसा यहाँ आए थे। कुछ लोगों ने MS सिरसा के ऊपर हमला भी किया था और उनके थाने से बाहर निकलने तक वे रुके रहे थे, लेकिन किसी तरीके से पुलिस ने MS सिरसा को कुछ इस तरीके से निकलवाया कि लोगों को यह पता ही नहीं चल सका कि वो कब थाने से बाहर चले गए। लोगों का कहना है कि उनकी मांग यह है कि उन सभी पुलिस वालों को न केवल निलंबित किया जाए बल्कि बर्खास्त किया जाए जो कैमरे के अंदर, फुटेज के अंदर ड्राइवर और उसके बेटे के साथ मारपीट करते हुए नजर आए हैं। और इसी मांग को लेकर आधी रात तक भी सिख समुदाय के लोग प्रदर्शन करते रहे थे। फिलहाल आज के लिए उनका कहना है कि हमें यह आश्वासन तो दिया गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अपने आश्वासन को अगर पूरा नहीं किया गया तो वो आज फिर से एकत्र होने के बाद अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज दिल्ली।
दरअसल जो पूरा सिख समुदाय है मुखर्जी नगर का, वो यही कह रहा है कि जो 3 निलंबन हुए पुलिस वालों के, केवल खानापूर्ति है। हमें आश्वासन तो मिला है कि उचित कार्रवाई होगी बाकी पुलिस वालों पर भी, अगर ऐसा होता नहीं दिखा तो आगे भी ये आंदोलन या फिर इस तरह की जो जोर आजमाइश है सिख समुदाय द्वारा वो जारी रहेगी। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में ग्रामीण सेवा के ड्राइवर सरबजीत सिंह और दिल्ली पुलिस के बीच हुई झड़प और मारपीट के वीडियो इस समय तेजी से वायरल हो रहे हैं। और इस बीच दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने की ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल करीब 24 घंटे पहले ही ये पूरी वारदात हुई थी और फिलहाल सोमवार रात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ फिलहाल जो सिख समुदाय है रोष में है और उन्होंने इस समय मुखर्जी नगर थाने के आगे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि अपनी ओर से कार्रवाई करते हुए 2 क्रॉस FIR उन्होंने दर्ज की हैं। पहली FIR जो कि ड्राइवर सरबजीत के खिलाफ है, जो दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी हैं जो इस मामले में घायल हुए थे, उनके बयान के आधार पर ये पहली FIR दर्ज की गई है। वहीं दूसरी FIR जो सरबजीत की शिकायत पर दिल्ली पुलिस के उन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है जो वीडियो में सरबजीत को मारते पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी, जिसको खुद नदन रेंज के जो जॉइंट CP हैं वो हेड करेंगे और फैक्ट जिस तरह के तथ्य निकल कर सामने आएंगे उसके बाद जो है उस तमाम पुलिस वालों पर एक्शन भी लिया जाएगा। इस मामले में 3 पुलिस वालों को अभी तक निलंबित भी कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो सिख समुदाय है उनका अभी भी रोष जो है वो कम नहीं हुआ है। इस मामले में वो पूरी तरह से इंसाफ चाहते हैं और यही वजह है कि आज शाम को एक बार फिर यहाँ पर ताने का घेराव किया गया। इसके अलावा जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल अपनी मांगों को लेकर सिख समुदाय जो है वो अड़ा हुआ है। इस मामले में साफ और ट्रांसपेरेंट कार्रवाई की मांग उनकी ओर से लगातार की जा रही है और अभी भी उनका कहना है कि जब तक इस मामले में उनको इंसाफ नहीं मिल जाता वो तब तक इसी तरह से ये विरोध प्रदर्शन जो है वो करते रहेंगे और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल रोष जो है वो जागा हुआ है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज दिल्ली। देखिए हमारी संवाददाता अंजलि की ये जो रिपोर्ट आप देख रहे थे उसमें जो भीड़ है सिख समुदाय की, वो सब वही रहने वाले लोग हैं, स्थानीय हैं, व्यापारी हैं, अपनी दुकानें बंद करके काम खत्म करके देर रात तक यहाँ पर इस तरह से अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। इससे पहले मुखर्जी नगर में प्रदर्शनकारियों को समझाने पहुंचे अकाली दल विधायक मनजिंदर सिरसा पर भी हमला हुआ। यही नहीं, उनके साथ धक्का मुक्की हुई। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी मनजिंदर सिरसा को उन्होंने उन पर हाथ उठा दिया। मनजिंदर सिरसा 4 समर्थकों के साथ बातचीत करने यहाँ पर आए थे, उन पर हमला हुआ। समर्थकों ने उन्हें बड़ी मुश्किल से सुरक्षित स्थान पहुंचाया और फिर दोबारा थाने में एंट्री कराई गई। कहा यह जा रहा है कि उनको थप्पड़ मारा गया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि थप्पड़ नहीं मारा गया है, पीछे से उन पर एक हाथ मारा गया है। इसके बाद उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि मैं आपको निष्पक्ष जाँच का भरोसा दिला रहा हूँ, आप शांति बनाए रखें। लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे थे सिख समुदाय के लोग, उन्हें सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। सबके बीच दिल्ली के मुखर्जी नगर में प्रदर्शनकारियों को न्याय का भरोसा दिलाकर विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक से मुलाकात करने पहुंचे और कहा कि दोषी पुलिस वालों के खिलाफ देखिए कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। सबके खिलाफ जितने लोग हैं उन सबके खिलाफ मुकदमा, जितने लोग हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई, और इसके लिए ज्वाइंट CP जो है वो खुद जो मुकदमा दर्ज हो रहा है उसके ऊपर कौन से सेक्शन और लगने चाहिए, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उसके ऊपर जो जो और भी सेक्शन रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन और लोग हैं, ये सारे जो भी उसमें इन्वॉल्व थे उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए पुलिस और सिख समुदाय के बीच जो टकराव हुआ है ना, इस बीच एक और खबर आ रही है और वो ये है कि कुछ प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। वो जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं इसलिए उनको डराया जा रहा है। उन्होंने ये कहा है कि ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ शांतिपूर्ण कर रहे हैं। हमारे संवाददाता सिद्धार्थ पुरोहित की ये रिपोर्ट देखिए।
मुखर्जी नगर पुलिस थाने के सामने सिख सरबजीत सिंह के साथ जो मारपीट की गई थी उसको लेकर सिख समुदाय एक बार फिर से मोर्चा खोल चुका है दिल्ली पुलिस के खिलाफ। इस वक्त हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर थाने के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग मौजूद हैं जो बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं। इनसे आइए हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपके पास आना चाहेंगे। सर दिल्ली पुलिस कह रही है कि उन्होंने FIR कर दी है, उसके बाद उन्होंने 3 लोगों को सस्पेंड भी किया है, इसके बाद आपकी क्या डिमांड है और क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहते हो, कोई भी पुलिस वाले किसी को मारे जहां से मानी करे, कुत्तों की तरह मारे, उसको सस्पेंड कर दो, बहुत है। इसके अलावा क्या डिमांड है सर? डिमांड क्या है, बिल्कुल डिसमिस करना चाहिए। 3 आदमी नहीं, 11-12 लोग थे, 12-15 जितने लोग थे, सबको डिसमिस करना चाहिए। पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए किया है कि सिखों को बेवकूफ बनाने के लिए। ऑर्डर में कोई किसी के साइन नहीं है, हमने दिखा दिया। वो छोटे बेटे की, उस छोटे बेटे की उम्र 15 साल है सिर्फ, उस बेटे को RTO में से निकाल कर रोड मारी उसके सिर पर, और उसको जो मेन उसकी फुटेज है ना, साफ दिखते गन दिखा रहे हैं। एक बात बताइए, क्या बच्चों को धमकाने के लिए इनको सरकार ने गन दी है? 15 बंदे थे मारने वाले, हम उसमें 10 बंदे हैं, उनको जो 3 इन्होंने किए हैं जिनसे हमारा क्या होगा? उन 10 बंदों को लाओ ना, उन 10 बंदों को भी खानी पूर्ति नहीं दी हमारे को, 10 बंदों को भी नौकरी से हटाया जाए और 3 बंदों को भी नौकरी से हटाए, हमारे को सस्पेंड नहीं चाहिए, सस्पेंड नहीं, नौकरी से हमेशा डिसमिस चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही गुस्से में हैं और इनकी अपने साथी को लेकर एक अलग मांग है। कई सारी मांगे हैं कि दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने इस कृत्य कर्म किया है उनको सस्पेंड किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, और FIR की कॉपी जो अभी तक इन्हें नहीं दी गई है उसको किया जाए। सरमैन भूपेन के साथ सिद्धार्थ पुरोहित, ABP न्यूज दिल्ली। देखिए बात तो माननी पड़ेगी कि दिल्ली पुलिस ने शुरुआती तौर में अगर इस केस को संवेदनशीलता से हैंडल किया होता तो शायद ये मामला इतना बड़ा नहीं होता। ग्रामीण बस सेवा के जिस ड्राइवर सरबजीत की पिटाई पर सिख समुदाय आज उबल रहा है गुस्से में, उनकी बात भी आपको जरूर सुननी चाहिए। ABP न्यूज से सरबजीत ने क्या कहा देखिए। हमें अपशब्द कहे गए, लाठी दिखाई गई वहां, और क्रोध में अहंकार में, जैसे एक वर्दी पहनी है तो आम नागरिक कुछ भी नहीं है मेरे सामने, मतलब उनकी थिंकिंग। हालांकि सेवा के लिए ड्यूटी मिली है, पब्लिक के लिए, पब्लिक की जेब में से इनको तनख्वाहें मिलती हैं, पब्लिक की सेवा के लिए इनको ड्यूटियां मिलती हैं, लेकिन आम पब्लिक के ऊपर ही इतनी बर्बरता से अटैक, यह आज हमारे ऊपर हुआ है, कल किसी और के ऊपर भी हो सकता है। उन्होंने हमें घसीटते हुए थाने के अंदर ले गए विदाउट CCTV कैमरे वाले कमरे में बंद करके, 5-6 पुलिस वालों ने मेरे पे यहाँ पे मुक्के मारे, 4 सिर पे लाते मारी। पुलिस स्टेशन के अंदर मारा गया फिर आप कमरे में बंद करके? उन्होंने स्पेशल आपस में ये डिसाइड वहाँ बात कर रहे थे कि इसको उस कमरे में ले चलो जहाँ CCTV कैमरा नहीं है, इस बच्चे को वहाँ लेके गए, किसी ने यहाँ लातों से मारा, किसी ने डंडे से मारा, किसी ने हाथों से मारा बच्चे के ऊपर जो थाने के अंदर अटैक हुआ है। देखिए दिल्ली में बहुत जल्द चुनाव है, आप कहेंगे चुनाव का इस खबर से क्या मतलब, क्या कनेक्शन सियासतदान ढूंढ लेते हैं। सरबजीत की पिटाई को लेकर दिल्ली की सियासत गर्म है। केजरीवाल कल सरबजीत के परिवार से मिलने पहुंचे और कहा कि दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई हो। हम सब लोगों ने उसके वीडियो भी देखे हैं जो कि बहुत गलत है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, और मैं LG साहब से और होम मिनिस्टर साहब से और पुलिस कमिश्नर से अपील करता हूं कि जो भी दोषी लोग हैं उनको सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य के अंदर किसी भी नागरिक के साथ इस तरह का बर्ताव ना किया जा सके। कल का जो ये इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो दोषी पुलिस के लोग हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई की